हेलो एवरीवन एंड आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑन फोर व्हील्स यानी जिंदगी चार पहियों पे। तो आज मैं आपको इनोवा हाई क्रॉस पेट्रोल का ड्राइव रिव्यू देने वाला हूँ। इससे पहले मैंने इसकी हाई क्रॉस का ड्राइव रिव्यू एक और बना चुका, बट वो हाइब्रिड थी। बट ये आपकी हाइब्रिड नहीं है, पूरी की पूरी तरीके से पेट्रोल व्हीकल है। इसमें आपको कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह नहीं मिलती। इसमें आपको एक सिंपल सा एक पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो मैं एक बार आपको इसका इंजन दिखा देता। सेम वही इंजन है, बस स्पेसिफिकेशन आपको डिफरेंट मिलती है। तो बात करें इसके इंजन की, तो ये इसका 2 लीटर का इनलाइन 4 4 सिलेंडर BS6 फेस टू कंप्लाइंट पेट्रोल इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आपको मिल जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 172 BHP, 209 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और नॉन हाइब्रिड वेरिएंट में आपको 16.13 KMPL के इसमें आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाती है। 4 सिलेंडर आपको एक लाइन में मिल जाते हैं, जो कि इसकी कॉन्फिगरेशन को इनलाइन 4 बनाए थे। फ्रंट व्हील ड्राइव के इसमें आपको ऑप्शन मिलता है, ऑल व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलता। बाकी रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन आपको क्रिस्टा में मिलता है, हाई क्रॉस में आपको नहीं मिलता। और हाई क्रॉस की मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये गाड़ी आपके TNGA प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, अनलाइक इनोवा क्रिस्टा जो कि आपकी IMV पे बेस्ड थी और वो आपकी बॉडी ऑन फ्रेम व्हीकल थी। बाकी भाई मैंने इससे पहले आपकी ड्राइव की थी हाइब्रिड, बट ये नॉन हाइब्रिड वेरिएंट है, सिंपल इसमें आपको एक गैसोलीन इंजन मिल जाता है। बाकी अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सा भी मिल जाता है, जो कि मेरे को सही लगा, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगी। बेस वेरिएंट के हिसाब से बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाता है। बाकी ये है इसका 10-स्पीड CVT गेयरबॉक्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ECVT नहीं, इसमें आपको 10-स्पीड का नॉर्मल CVT गेयरबॉक्स मिल जाता है, जो कि नॉन हाइब्रिड में जो फ्यूल एफिशिएंसी आएगी उसको कोप अप करने के लिए 10-स्पीड यहाँ पर दिया गया। मैनुअल AC वगैरह मिल जाता है। बाकी इसके बेस वेरिएंट की एक वीडियो मैं बनाने वाला, जल्द से जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर मेरे को हाई क्रॉस मिल गई बेस वेरिएंट तो उसकी वीडियो भी मैं बना दूंगा। बाकी चला के देखते हैं भाई गाड़ी चलने में कैसे की। हाइब्रिड में तो भाई बहुत मज़ा आया था, इसको देखते कि भाई इसको चलाने में कितना मज़ा आता है। और अगर आपका बजट कम है फिर भी आप हाई क्रॉस लेना चाहते हो, फ्यूल एफिशिएंसी की आपको इतनी दिक्कत नहीं है तो इसमें आपको चलाने में मज़ा आएगा नहीं, तो उसकी बात कर लेते हैं। बाकी इसका बेस वेरिएंट है, लेकिन ऐसा बैठ के फील नहीं हो रहा कि भाई बेस वेरिएंट है, मतलब ज़रूरत के सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। बाहर से भी आपको बेस वेरिएंट के हिसाब से लुक आपको सही मिल जाती है। हॉर्न वगैरह आपको इस गाड़ी में सही मिल जाता है, सिमिलर सा हॉर्न आप मेरे को क्रिस्टा में भी मिला था, जो कि अच्छा लगता है मेरे को। टोयोटा का टिपिकल हॉर्न मेरे को सही लगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी। बाकी इस गाड़ी में आपको ड्राइव मोड्स नहीं मिलते, इसमें आपको इको मोड ही मिल जाता है, जैसे आप देख सकते हो। इसमें आपको इको में स्विच करना वो कर सकते हो, पावर मोड का ऑप्शन नहीं मिलता। बाकी अभी इको मोड में चला के देखेंगे इसमें आपको कैसी ड्राइव क्वालिटी वगैरह मिल जाती है। बाकी 200 तक इसमें आपको स्पीडोमीटर में मार्किंग मिल जाती है। बाकी भाई अभी फरीदाबाद में बारिश हुई थी जैसे कि आप देख सकते हो, और फरीदाबाद में मेरे को ये गाड़ी मिली है कर्टेसी ऑफ 36 टोयोटा। तो अगर आप इनोवा हाई क्रॉस हो गई, इनोवा या टोयोटा की कोई भी गाड़ी आप लेना चाहते हो तो आप 36 टोयोटा विजिट कर सकते हो, यहाँ पर बहुत अच्छी डील्स आपको मिल जाएगी, जो स्टाफ है बहुत अच्छा आपको मिल जाता है। सो थैंक यू 36 टोयोटा कि आपने मेरे को ये गाड़ी अवेलेबल कराई और इनोवा हाई क्रॉस का एक ड्राइव रिव्यू एक एक्सपीरियंस आप लोगों का शेयर करने का मौका दिया। बाकी भाई अभी थोड़ा सा ट्रैफिक है। और वैसे स्टीयरिंग व्हील आपको लाइट मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है, हाइड्रोलिक आपको नहीं मिलता है। फीडबैक वगैरह भी चला के देखा हाइब्रिड में, उसमें बढ़िया मिला, बट इसमें कैसा होता है वो मैं आपको बस दिखा दूंगा। बाकी इसमें आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील बेस वेरिएंट ही मिल जाता है। और बाकी एक चीज़ और अच्छी आपको क्या मिलती है इसमें, आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड का फंक्शन आपको मिल जाता है। ऑटो होल्ड का क्या फंक्शन है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अब सपोज करो मैं यहाँ पर ब्रेक लेता हूँ, अभी मतलब ब्रेक लेता हूँ, पहले ट्रक रुक जाए, वो भाई रुक जा, नहीं रुकेगा, अब जब मैं चाहता हूँ रुके तो वो रुकेगा नहीं। ये देखो देखो रुक गया, चलो भाई अब यहाँ पर मैं ऑटो होल्ड का फंक्शन दबा दूंगा ना, तो देखो भाई ब्रेक से पैर हटा दिया मैंने, अब गाड़ी कहीं आगे नहीं बढ़ेगी जब तक मैं इसमें रेस नहीं दूंगा। तो भाई देखो रेस दी, ये गाड़ी आगे बढ़ गई। ये फीचर तब आपका बड़ा यूज़फुल होता है, तब जब आप रेड लाइट पर बहुत देर खड़े और आपके पैर में दर्द हो गया, ब्रेक पर पैर रखे रखे, तो ये बड़ा यूज़फुल सा फीचर आपको ये मिल जाता है। बाकी अब चला के देखते हैं थोड़ा सा इस जाम से हम निकले। अब भाई मैं चाहता हूँ ये जाम क्लियर हो जाए, तो क्लियर होगा नहीं। ट्रक वाले भाई साहब अच्छा हुआ आपने रोक दिया, थैंक यू सो मच उसके लिए, बट अभी पहले जाम क्लियर हो जाए। पता नहीं कब हमें इस हाईवे पे जाने का मौका मिलेगा, अभी मतलब बहुत बार आ गए बट इस गाड़ी के साथ।
बाकी मैं आपको बता दी, ये कोई नया इंजन नहीं है, ये इंजन आपको पहले इनोवा पेट्रोल में मिलता था, बीच में आया था बट ये डिसकंटिन्यू हो गया था क्योंकि इनोवा पेट्रोल की इतनी डिमांड नहीं थी, बट अब पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड का ज़माना है तो टोयोटा ने वापस से ही इंजन इंट्रोड्यूस कर दिया है। बाकी पुराना इंजन, इसका मतलब ये नहीं कि ये टेक्नोलॉजी के लिए उतना एडवांस नहीं होगा, टेक्नोलॉजी के लिए बहुत एडवांस्ड आपको इंजन मिल जाता है। ये इतना एडवांस्ड इंजन आप कह सकते हो कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा थर्मली एफिशिएंट इंजन आपको मिल जाता है। इसका मतलब ये है जो भी एनर्जी लॉस आपका हीट के फॉर्म में होगा वो इस गाड़ी में मिनिमम बहुत कम होता है, मतलब जितने भी इंजन से उसमें से आपको सबसे ज़्यादा ये थर्मल एफिशिएंट इंजन ये मिल जाता है। बाकी थोड़ा सा जाम खुला है, इस जाम से मिलता हूँ फिर मैं आपसे बात कर खुल मतलब यहाँ से निकल के आपसे मिलता हूँ। मैं अभी क्या बोल रहा हूँ आपको भाई, फाइनली जाम से फ्री हो गया मैं, आ चुका हूँ हाईवे पे भाई, पानी भर गया पूरा फरीदाबाद में, क्या करें। अभी तो भाई जितना खींचा मेरे को इंजन सही लगा मेरे को, मतलब ऐसा लोग कहते ना अंडर पावर वाली चीज़, अंडर पावर वाली चीज़ नहीं है, मतलब सही लगा। अभी अभी थोड़ा सा और खींचेंगे तो देखेंगे कि कैसा फील होता है। बाकी मैं पर्सनली बताऊँ जितना मेरे को हाइब्रिड में मजा आया था उतना नहीं आ रहा है, बट मतलब उतना रिस्पॉन्सिव नहीं कि ऑब्वियसली बात है भाई, एक हाइब्रिड मोटर एक इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर पावर लगा रही, फिर अकेले इंजन पावर लगा रहा है, तो थोड़ा सा फर्क आपको मिलेगा। बाकी मैं अभी हाई राइडर ड्राइव करके आया हूँ, हाइब्रिड में तो हो सकता है मेरे को उस वजह से भी लग रहा हूँ। बाकी और चीज़ें देख लेते कि कैसे क्या वगैरह आपको मिल जाता है, ये मतलब इसमें ड्राइव क्वालिटी कैसी मिल जाती है। बाकी जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है वो तो सेम ही मिलेंगे क्योंकि गाड़ी सेम है, बस इंजन का ही फर्क है, तो देख लेते हैं। लेकिन अगर आपको ए टू बी प्लेस जाना है ना तब तो भाई ये इंजन आपके लिए सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी तो ये इको मोड में देख रहा हूँ, इको मोड में सही फील हो रहा है, नॉर्मल में थोड़ा सा और बेटर फील होगा। लगाओ नॉर्मल दबाओ, तो भाई चलो अब यहाँ पर इसको नॉर्मल मोड में कर ही देते हैं। इसके नॉर्मल मोड में थोड़ी सी आवाज़ भी चेंज हो गई, और ये सिमिलर सी आवाज़ ना मेरे को जहाँ तक पता है कोरोला में भी आते, तो कोरोला में अच्छी लगती है, तो भाई सेम चीज़ में भी वो बढ़िया फील हो रही है मेरे को। जो आवाज़ है ना जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का करंट होता है भाई, वो बहुत तगड़ा होता है, वो टर्बो इंजन में कभी नहीं आ सकता, वो बड़ा एनए इंजन में बढ़िया मज़ा आता है उसका। पावर तो सही है, मेरे को दिक्कत नहीं लगी, हो सकता है इको मोड की वजह से लग रहा है, लेकिन पावर सही है। ब्रेकिंग भाई बहुत सही है, इसमें आपको दो डिस्क ब्रेक मिलती है ना सर, चारों। अच्छा चारों, इसमें भी चारों डिस्क ब्रेकिंग मिल जाती है आपको, क्रेटा वाला नाराज हो गया। कोई नहीं, आगे सुनो। उसका कंट्रोल अच्छा, तो इसमें भी आपको ऑब्वियस सी बातें मिलेगा। बाकी भाई नॉर्मल मोड में रिस्पांस इंजन बहुत सही कर रहा है, इको मोड से मेरे को कंपैरेटिवली बेटर लगा ये। थोड़ा सा रबर बैंड इफेक्ट है बट वो इरिटेटिंग सा नहीं है, मतलब जैसे बहुत सारी सीवीटी गाड़ी में इरिटेट करते हैं ना, वैसे इरिटेटिंग वाला नहीं, हल्का सा है बट वो इरिटेटिंग वाला नहीं है, वो मैनेज आप कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं। भाई मजा तो इसको भी आ रहा है चलाने में भाई, कुछ भी गो डुअल वीवी टीआई है 2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड, मजा आ रहा है। बाकी कोरोला में तो आपको 1.8 था लेकिन इसमें 2 लीटर है, तो ये भी सही रिस्पांस कर रहा है। बाकी मैनुअल मोड में देख लेते हैं, मैनुअल मोड में देखते हैं कैसा ड्राइव, मैनुअल में ना आप अपने हिसाब से। पता नहीं सिक्वेंशियल मोड में मेरे को चलाने में ज्यादा मजा आ रहा है, पता नहीं क्यों, बट हाँ सिक्वेंशियल मोड में मेरे को ऐसा चलाने में ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ से। बाकी बेस वेरिएंट में एक अच्छी चीज आपको क्या मिल जाती है, इसी में आपको एलईडी लाइट्स मिल जाती है, उसी के साथ साथ इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स भी मिल जाती है, जो कि सही।
अच्छा नॉर्मल मोड में बहुत से रिस्पॉन्ड कर रही है गाड़ी, अभी 100 पहुंच गई थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रेकिंग, भाई ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं, ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है इसकी, बहुत बढ़िया ब्रेकिंग है। बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ लेकिन भाई सच में ब्रेकिंग बहुत अच्छी है यार, लेफ्ट लेना बहुत अच्छी ब्रेकिंग है इसकी, चार डिस्क ब्रेक है। अरे ऐसा भाई फील नहीं हो रहा कि भाई गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, ना बिल्कुल नहीं। जितना कॉन्फिडेंस क्रिस्टा में आता है उतना ही मेरे को कॉन्फिडेंस इसमें आता है, क्रिस्टा में भी अच्छा कॉन्फिडेंस आता है तो इसमें भी बढ़िया ही आता है। रिस्पॉन्स अच्छा कर रही है हाइब्रिड जितना नहीं बट हाँ रिस्पॉन्स सही कर। अगर बात करें मैनुअबिलिटी भी की तो भाई इसकी मैनुअबिलिटी भी बहुत सही आपको मिल जाती है। बारिश हुई थी तो ये चीज कहना लॉजिक नहीं है बट भाई इसने एसी ने ठंड चढ़ा दी, बहुत इफेक्टिव एसी है इसका। मतलब अभी सबसे लो सेटिंग पे, मतलब सबसे लो सेटिंग का मतलब ये उस पे सबसे मतलब फैन स्पीड 1 पे है, भाई इसने ठंड चढ़ा दिया, वैसा लग रहा है एसी बंद ही कर दो तो थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर देते हैं। बाकी भाई स्टेबल बहुत है हाई क्रॉस, क्या कहते हैं 80 पे थी पता नहीं चल रहा था 80 पे। बाकी इंजन रिस्पांस की बात करो ना, इंजन रिस्पांस सही है, मतलब नीको में थोड़ा फिर भी लग रहा था गाड़ी दब रही है, मतलब दब भी नहीं रही, आपको फ्यूल एफिशिएंसी निकालनी है तो ठीक है। बाकी नॉर्मल पे बहुत मजा आ रहा था इसको, नॉर्मल पे अगर आपको थोड़ा एंथुजियास्टिकली चलाना है इको मोड ऑफ करो और भगाओ इसको तब आपको मजा आएगा। यहाँ से लेना आगे से? नहीं आगे से, आगे से लेना। सच में मजा तो आ रहा है मेरे को कुछ भी को। तो भाई अगर आपको इनोवा हाई क्रॉस का नॉन हाइब्रिड 2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लेना तो भाई मेरे हिसाब से ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ले सकते हो। ड्राइविंग के हिसाब से मेरे को सही लगा, ए टू बी प्लेस जाना तो आपके साथ इंजन दे देगा, आपको कोई अंडर पावर वाली फील नहीं देगा ये। तो इसी कंक्लूजन इस वीडियो को एंड करते, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगी इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सही था मैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते ऐसी और वीडियोस के लिए। बाकी अब एक अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।